फंसा दे। ए अल्लाह, उन्होंने अपनी नस्लों की आबियारी इस्लाम के नाम पर की है। अगर आप बैठ जाएंगे तो सब स्टेज के बाईं तरफ तशरीफ रखते हैं, तो तमाम लोग शकील भाई के पास एक के बाद एक आपके सामने आएंगे। मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब शकील अलवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड की जो खवातीन और जो बच्चियाँ बैठी हैं उनको मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं राइट पर आता हूँ जहाँ उन्होंने कहा पर लिखा हुआ नाम से वो अपने शहीद बच्चे को पहचाने और उसके माथे पर चुमा दे। ताकि सारे मरीजों आए, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं दो बच्चों को एक तरफ एक इलाके में चुना दे, दो बच्चों को दूसरी तरफ उनका चुने का किसी रिश्तेदार के नुमाइंद नाम किया है। वो ये सोचती है कि अगर मेरा एक बच्चा या मेरा एक दो बच्चे मेरे यहाँ शहीद हो गए तो दो बच्चे मेरे बच्चे के वो इसराइल के खिलाफ जंग, जब हम जवान होंगे तो इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान है। लेकिन कहीं ना कहीं हुक्मरान जमात का खौफ या इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। आज के मुंतजिरीन ने ये पहल की है और इस बेहतरीन एहतजाजी जलसे का इंतजाम किया है। मैं तमाम लोगों को, तमाम मुंतजिरीन को मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये उन लोगों को वादा भी करता हूँ कि आज के बाद पूरे महाराष्ट्र के शहरों शहरों में, तालुकों में और जिलों में इसराइल के खिलाफ एहतजाज और एतराज का सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। हर एक फर्द के दिमाग में होता है क्या कि इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह के एहतजाज से हम फिलिस्तीन की क्या, जब अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के वादे पे यकीन आता है तो इस बात पे यकीन हो जाता है कि जो लोग फिलिस्तीन में लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर कितना भी ताकतवर कोई तानाशाह हो जाए उसके सामने कभी सब लोग उठने नहीं देख सकते। एक ऐसी सरजमीन जहां का एक छोटे से छोटा बच्चा आज इस दुनिया के सारे इंसानों से ज्यादा बहादुर है। मैं फिलिस्तीन से नहीं हूं लेकिन देख रही हूं कि ये दुनिया अंधी और बहरी हो चुकी है। आजादी आजादी फिलिस्तीन के लोगों, तुम्हारी बहादुरी के किस्से हम सारे आम करते हैं। नाराबाई साथियों, और उसका सबूत यह है कि उन्होंने अभी तक 17 से 20 हजार लोगों को मारा है, मगर भारत के फिलिस्तीन को कितना मारा है पता नहीं, उसका उत्तर भी पता नहीं। Allah 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 Allah
समझ कर इसके हमारी राय فرما لے تو آئے نور ہو ان کے حق میں
को कबूल फरमा ले। अपने आप पैगंबरान आजम की जो दुआएं कर गुजरे हैं वो ऐ अल्लाह उन दुआओं का वास्ता अहले गजा को कामयाब फरमा, अहले गजा को कामरान फरमा दे और पूरी दुनिया में उनकी फतह और नुसरत के लिए जो कोशिशें हो रही है, दुआएं हो रही है, काम हो रहा है, कोई उनके पीछे से मदद कर रहा है और किसी तरीके से उनकी मदद कर रहा है। आज उस ग्राउंड से जो मदद हुई है उनकी दुआ के नाम पर मौला तबारक व तआला अपनी बारिश रहमत बरसा दे। ऐ अल्लाह उन्होंने अपनी नस्लों की आबियारी इस्लाम के नाम पर की है, उन